जैसा कि किसानों का भी कहना है कि काले धान की जैविक खेती से परंपरागत धान की खेती सहित अन्य फसलों की खेती की अपेक्षा कम खर्च सहित कम श्रम से भी अधिक उत्पादन का लाभ ले अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है। आइए आत्मा शिविर द्वारा जिले में किए जा रहे कार्यों सहित इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर जानते हैं क्या कहना है आत्मा शिविर के परियोजना निदेशक ऋषु कुमार का। आत्मा शिविर के द्वारा सभी प्रखंडों में एक एक किसान को चयनित कर उनके मतलब उनके दरवाजे पे जहाँ 25 किसानों का एक ग्रुप बना के हम लोग पाठशाला चलाते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने पाठशाला में काला धान इंट्रोड्यूस किया था आत्मा शिविर के द्वारा, जिसमें किसानों ने इसका भरपूर लाभ उठाया है। काला धान की एक विशेषता है कि ये कम लागत में एक तो जो इसके समकक्ष के जो धान पैडी सीड्स हैं उनके समकक्ष इसमें लागत लगती है, परंतु इसका जो आउटकम है मतलब जो इसका कॉस्ट है विक्रय जो होता है उसका अन्य सामान्य धान से अधिक होता है। करीब 2 से 3 गुना इसका मार्केट रेट प्राप्त होता है, जिससे किसान जो है सो अपनी आय को दुगनी तिगुनी करने में ये काला धान भी बहुत हेल्पफुल होता है। चूँकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, औषधीय गुण होने के कारण इसकी मांग जो है हमारे बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हमारे किसान जिन्होंने मतलब जो हमारे 5 किसान हैं उन्होंने इसकी खेती की है और बहुत ही सिंपल तरीके से जैविक खादों का उपयोग किया है उन्होंने और उसका जो उत्पादन है लगभग सामान्य धान के बराबर ही है, मगर मूल्य में अंतर है करीब 150 के आसपास है, तो बहुत मतलब लगभग 3 गुना हो गया। तो इसका उत्पादन कर हमारे किसान जो है सो लाभान्वित हो सकते हैं। इसे देख और सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि अत्यधिक आय देने वाली काले धान की श्री विधि से जैविक खेती ने यहाँ के कृषकों के आर्थिक सबलीकरण में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सहित आत्मा शिविर की पूरी तकनीकी टीम और योजना से जुड़े किसान बधाई के पात्र है।